हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑक्स यूट्यूब चैनल ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द रोमेटोड आर्थराइटिस सो डिसीज़ के हम डिफरेंट कोजेस सीखेंगे साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे किस तरह से उसका डायग्नोसिस होता है ट्रीटमेंट एंड डिटेल पैथोफिजियोलॉजी को हम ये लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे ऑफ दिस रोमेटोड आर्थराइटिस सो ये जो आ, टाइटल स्लाइड के ऊपर जो भी डायग्राम से उस पर से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि आर्थराइटिस या फिर रोमेटोड आर्थराइटिस के अंदर मेनली जो एक चीज इन्वॉल्व है वो है जॉइंट्स पेन जॉइंट पेन पेन जॉइंट्स कहीं के भी हो लेग्स के हो या फिर हैंड या फिर लेग्स तो जितने भी अलग अलग जो जॉइंट्स तैयार होते हैं हमारे बॉन्स के अंदर तो उसके रिलेटेड जो पेन होता है वो इंक्लूड है इन्हें ए आर्थराइटिस तो उसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर So be updated with the pharma knowledge for that subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRox PharmaRox mobile application is now available So you will find the various test series, video lecture and study material in PDF as well as a printed form in our mobile application So download their PharmaRox Android application on Google Play and also Apple iPhone app on App Store सब आपको गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर से फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी गेट द लिंक इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज फॉर जीपैट नाइपर डी आई फार्मासिस्ट एग्जाम वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस फार्मारॉक्स डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फार्मारॉक्स

तो रोमेटोड आर्थराइटिस इज़ ए लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट द जॉइंट्स कि जैसे हमने टाइटल स्लाइड के अंदर भी देखा कि प्राइमरली या फिर प्राइमरी हम देखें कि किसी भी डिसीज़ का जो हम प्राइमरी लोकेसन जो हम चेक करते हैं प्राइमरी लोकेसन तो आर्थराइटिस का जो हम लोकेसन कैसे पता चलाए तो वो है ये जॉइंट्स जितने भी आप जॉइंट्स देखो ये फिंगर्स के पास जो हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं लेग्स के अंदर हमारे फीट्स के अंदर जो ले जितने भी जॉइंट है सभी जगह पे जो जॉइंट के जो पेन है उसके ये है joint, जौन्ट रिलेटेड ये डिसीज़ इंक्लूड है मेनली कि अफेक्ट द जॉइंट और जॉइंट रिलेटेड जॉइंट पेन हो सकता है जॉइंट्स का हो सकता है इन्फ्लमेशन हो सकता है तो ये सब अलग अलग कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस होती है रोमेटेड आर्थराइटिस के अंदर तो प्राइमरी हम डिसीज को कैरेक्टराइज करना है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आर्थराइटिस या फिर रोमेटेड आर्थराइटिस के अंदर हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले तो बॉन्स उसके रिलेटेड जॉइंट्स फिर जो मसल्स हम कहते हैं कार्टिलेज प्लस साइनोवियल कैविटी प्लस उसके रिलेटेड फ्लूइड्स तो ये सब मेन की पॉइंट्स हम कहेंगे कि ये जो की पॉइंट्स आपके माइंड में हो तो रिमेटेड आर्थराइटिस डिसीज के बारे में इजीली जो है वो आप सीख सकते हैं तो इट टिपिकली रिजल्ट इन वॉम सोलन एंड पेनफुल जॉइंट कि जिसके कारण अब क्या होगा कि ये जो डिसीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हम कहते हैं कि आर्थराइट, रोमेटेड आर्थराइटिस इज ए लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट द जॉइंट्स एंड टिपिकली रिजल्टिंग कि जब लॉन्ग टाइम तक आपके ये जॉइंट्स का पेन रहता है इन्फ्लेमेशन रहता है तो ये जो जॉइंट्स कैसे बन जाएंगे पेनफुल प्लस वॉम सॉलन इन्फ्लामेशन रहेगा कि रिजल्टिंग

कंडीशन कैन डैमेज ए वाइड वेराइटी ऑफ बॉडी सिस्टम इंक्लूडिंग द स्किन आइज लंग्स हार्ट एंड ब्लड वेसल मतलब कि जॉइंट के आसपास एसोसिएटेड जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स है उसके रिलेटेड ऑर्गन सिस्टम है जिससे कि जो स्किन होती है हमारी आइज है लंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के हार्ट है फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ऑल्सो द ब्लड वेसल्स कैन बी अफेक्ट इन सम पीपल ड्यू टू द आर्थराइटिस सो इट इज़ ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कि जो मेनली जॉइंट्स को ही अफेक्ट करता है बट उसके अलावा काफ़ी लोगों के अंदर देखा गया है कि वो स्किन को भी अफेक्ट करता है आँखों को भी अफेक्ट करता है जो हमारे फेफड़े होते हैं लंग्स फिर हमारे हार्ट को ब्लड वेसल सभी को वो अफेक्ट करता है ये डिसीज़ तो यहाँ पे जो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ दिस डिसीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी जॉइंट्स है वो सभी पॉइंट यहाँ पे किए हैं कि ये है नी जॉइंट तो यहाँ पे कंप्लीटली हाईलाइट करके दिखाया हुआ है एंकल्स के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो दिखाया है टार्सल जॉइंट है एम जॉइंट है एल्बो के जॉइंट्स हीप जॉइंट्स है शोल्डर सर्विकल स्पाइंड तो जहाँ पे भी बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं जहाँ पर भी हमारे बोन्स ज्वाइंट हो रहे हैं वो सभी जगह पे ये पेनफुल इन्फ्लामेशन करता है और आगे जाके कंडीशन जो है वो काफ़ी जो है वो सीरियस होती है फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट तो यहाँ पे आप तीन कंपेरिजनली देखो कि ये है हमारा फर्स्ट हेल्दी जॉइंट दिस इज द हेल्डी जोइन ये सीमेटिक डायग्राम है सेकेंड डायग्राम में हम स्कीमेटिक डायग्राम रोमेटेड आर्थराइटिस के एंड थर्ड डायग्राम जो है वो रियल पिक्चर हम देख सकते हैं तो तीन अलग अलग डायग्राम्स को आप ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो ये है हमारा हेल्दी जॉइंट फर्स्ट वाला के जिसके अंदर पेशेंट को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर कार्टिलेज भी हेल्दी है मिनिस्कस जो बनता है उसका वो भी हेल्दी है और प्रॉपर स्पेस है बिटवीन टू बॉन्स कि ये वाला फर्स्ट बोन और नीचे वाला सेकंड दोनों अच्छे से ये कार्टिलेज के थ्रू जॉइन हो रहे हैं और साइनोवियल कैविटी बनेगी और ये जो साइनोवियल टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं और साइनोवियल मेमब्रेन होती है तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन इरोजन जो है वो स्टार्ट होता है रिमिटेड आर्थराइटिस के अंदर तो ये वाला जो बॉन bon था ये देखो आप एकदम नॉर्मल बॉन bon है विदाउट एनी टाइप ऑफ इरोजन और सेम जगह पे ये सेकंड के अंदर आप देखो सेकंड डायग्राम के अंदर तो ये इरोजन आप देख रहे हैं कि बॉन bon का इरोजन होना स्टार्ट हुआ है ये जो कंप्लीट लाइन थी उसके जगह यहाँ पे आप सेकंड डायग्राम में इरोजन जो है वो कंप्लीटली देख पाते होंगे फिर ये जो ब्लू कलर का जो हमें दिख रहा है तो वो साइनोवियल फ्लूड है और उसके पास अटैच साइनोवियल मेमब्रेन तो यहाँ पे देखिए रूमेटेड आर्थोराइटिस में क्या हो रहा है स्वॉलन इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन का जो पोर्सन है वो पूरा साइनोवियल मेम्ब्रेन का हो जाता है इन्फ्लेमेशन अब साइनोवियल मेम्ब्रेन काफी इन्फ्लेमेशन वाली हो गई है प्लस अब धीरे धीरे क्या हो रहा है जो कार्टिलेज है वो वियर अवे तो कार्टिलेज के अंदर भी अब ये वियर मतलब कि जो क्रैकिस क्रैक्स जैसा हो रहा है धीरे धीरे वो कार्टिलेज भी क्या हो रहा है डैमेज हो रहा है कार्टिलेज इज ऑल्सो स्टार्ट टू डैमेज और रिड्यूस इन जॉइंट स्पेस कि जो जॉइंट के बीच में जो स्पेस होती है वो रिड्यूस होती है ड्यू टू दिस डैमेज ऑफ कार्टिलेज साइनोवियल मेम्ब्रेन का भी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो रिजल्टिंग जो पेशेंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेल्थी जॉइंट्स रोमेटोड आर्थरेटिस के जॉइंट को कंपेयर करोगे तो ये वाली साइड में आपको देखने को मिलेगा ये इन्फ्लेमेशन और ये इन्फ्लेमेशन के कारण ये जो पर्सन है उसको आप देख सकते हैं कि वहां पे पेन हो रहा है इन जॉइंट्स पेन इन जॉइंट्स ड्यू टू दिस रोमेटोइड आर्थराइटिस तो इस तरह से आप इजीली सिंपली समझ सकते हैं रोमेटेड आर्थराइटिस के बारे में सबसे पहले तो डिसीज का लोकेशन प्लस कौन से कौन से अलग अलग ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम या फिर उसके रिलेटेड पार्ट्स अफेक्ट होंगे वो आपको याद रखना है आगे जाते हैं अब तो सबसे पहले आपको माइंड में आता होगा कि अभी हमने कहा कि रूमिटेड आर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिसीज तो आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द ऑटो इम्यून डिसीज तो ऑटो इम्यून डिसीज इज ए कंडीशन एक ऐसे कंडीशन प्रोड्यूस होती है इन विच योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक योर बॉडी कि हम जानते हैं कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं इम्यून सेल जो हम उसको कहते हैं तो इम्यून सेल क्या करते हैं कि जब कोई एंटीजन एंटर होते कि लाइक कोई वायरस है कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई भी माइक्रोर्गेन्स जब बॉडी के अंदर एड होती है एज अ फॉर्म ऑफ एंटीजेंट तो तुरंत उसके सामने उसको कील करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम उसके सामने एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है और ये एंटीबॉडी जो है वो अटैक करेंगे ऑन एंटीजन और दे विल किल दैट एंटीजन तो एंटीजन तो ऐसे है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है कि अदर देन अवर बॉडीज पार्ट्स या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते उसके अलावा जो फॉरेन पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं या फिर फॉरेन कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम आती है लाइक वायरस बैक्टीरिया फंगाई तो उसके सामने एंटीबॉडी क्रिएट करे बट जब हमारी इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव बन जाती है तो उस वक्त वो मिस्टेकली क्या करती है हमारे बॉडी के जो हेल्दी सेल होती है उनके ऊपर अटैक करती है तो ये थी इम्यून सेल नॉर्मल बट डिफ इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होती है तब क्या होता है कि जो इम्यून सेल है वो क्या करेंगे समझो कि हमारे बॉडी के जो सेल है या फिर बॉडी की जो टिश्यूज वगैरह है तो उसको डायरेक्टली जो है वो उनको समझ लेती है ये एंटीजन और उन्हीं के सामने प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी जिसके कारण क्या होगा बॉडी के जो सेल है टिश्यू है उसके ऊपर हमारे ही बॉडी के जो एंटीबॉडीज है उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको फिर डैमेज करना स्टार्ट करेंगे दे विल स्टार्ट टू डैमेज ऑवर सेल्स एंड टिश्यू अब समझो कि जो भी ऑर्गन के ऊपर उन्होंने अटैक किया है कि लाइक हमने हेपेटाइटिस के अंदर देखा था कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस था तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में वो डायरेक्टली लीवर को अफेक्ट कर रहे थे दे विल अफेक्टिंग द लीवर और लीवर के हेल्थी सेल्स ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा आर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट्स जो रिलेटेड अलग अलग हमारे बॉडी के ऑर्गन से पार्ट्स से कि जहाँ पे जॉइंट्स आए हैं तो वहाँ पे ये अफेक्ट करेंगे जिसके कारण वो वाले पार्ट्स डैमेज हो गए कि जहाँ पे रिमिटेड आर्थराइटिस का लोकेशन है कि ये जो जॉइंट्स जो स्पेशली तो जॉइंट्स रिलेटेड जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसके रिलेटेड जो मसल्स होते हैं टिश्यूज होती है सेल बॉन वगैरह पे जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम अटैक करेगी और उसको स्टार्ट करेगी डैमेज करना और जिसके कारण उसका स्टार्ट हो जाएगा इन्फ्लेमेशन होना और जब कंडीशन काफ़ी खराब होगी तो फिर आगे जाके जो है वो काफ़ी सीरियस डिजीज भी बन सकती है तो Enzyme system normally guards against the uh, germs like bacteria and viruses. When it senses these foreign invaders, it sends out an army of fighter cells to attack them. Uh, thus, defective immune system causes the autoimmune disease. But when it failed to identify बॉडी सेल्स जब वो ये हमारे सिस्टम फेल हो जाती है हमारे बॉडी के ही सेल को आइडेंटिफाई करने में उनको एंटीजन समझ लेती है तो उस वक्त ये जो आर्मी है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के ही सेल पर अटैक करेगी और उसको हम कहेंगे डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम तो उसके कारण जो अलग अलग डिसीज डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज की जैसे रूमिटेड आर्थराइटिस है सेरकोइडोसिस है हासी मोटोस्थायर है मल्टीपल स्कैलोसिस सिस्टमिक ल्यूपस इरिथोमेटस कि जिसको एस एल ई हम कहते हैं कॉलियक डिसीज वगैरह है गुलियन बेरे सिंड्रोम है तो ये अलग अलग जो डिसीज के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं स्पेशली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है डोमेटेड आर्थराइटिस इज़ वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अकर्स वेन योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक योर ऑन बॉडीज टिश्यू कि जैसे मैंने हमें अभी समझाया कि हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के टिश्यूज़ को टारगेट करता है एंड जिसके कारण डैमेज द टिश्यू एंड आफ्टर देन मेक इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट टिश्यू वैन इन्फ्लेमेशन अकर्स अराउंड द जॉइंट्स कंडीशन बिकम द पेनफुल कि जब इन्फ्लेमेशन जब इंक्रीज होगा धीरे धीरे जॉइंट्स के आजू बाजू तो वो कंडीशन जो है वो पेशेंट के लिए काफी बन जाती है पेनफुल तो ये हो गया रोमेटोड आर्थराइटिस तो रोमेटोड आर्थराइटिस अकर्स वेन योर इम्यून सिस्टम अटैक द साइनोवियम तो अब ऑटो इम्यून सिस्टम जब डैमेज होती है तो वो क्या करती है वो अब समझते हैं कि समझो कि डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम ने हमारे ये जॉइंट को पकड़ा है तो अब क्या होता है कि ये है बॉन है ये वाला नॉर्मल बॉन नीचे भी बॉन है बीच में जो है वो साइनोवियल फ्लूड है साइनोवियम uh, और उसके रिलेटेड जो मेम्ब्रेन होती है वे तो इम्यून uh, सिस्टम के जो सेल है वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेंगे ये साइनोवियम के द लाइनिंग ऑफ द मैमब्रेन देट सराउंड योर जॉइंट की जॉइंट के आसपास जो लाइनिंग होती है ये मैम्ब्रेन की तो ये जो लाइनिंग्स है उसको डैमेज करना स्टार्ट करके कंप्लीटली उसके ऊपर अटैक करेगा कि ऐसा समझ लेगा कि ये साइनोवियल uh, मेम्ब्रेन को वो समझ लेता है कोई फॉरन पार्टिकल एंटीजन और हमारे ही बॉडी की इम्यून सिस्टम डायरेक्टली टारगेट करेगी ये साइनोवियल मैम्ब्रेन को और साइनोवियम के जिसके कारण आगे जाके क्या होगा ये साइनोवियम डैमेज होगा और उसका इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा द रिजल्टिंग इन्फ्लामेशन थिकन्स द साइनोवियम विच कैन इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द कार्टिलेज एंड बॉन विद इन द जॉइंट्स तो ये है सबसे बड़ा रीज़न रिमेटेड आर्थराइटिस होने का कि हमारे ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम की जो हमारे बॉडी uh, की जो इम्यून सेल जो है हम कह सकते हैं कि जो इम्यून सेल की जो आर्मी वो डायरेक्टली टारगेट करेगी ये साइनोवियम को दे विल टारगेट द साइनोवियम और उसको समझ लेंगे एंटीजन और उसके सामने ये एंटीबॉडीज जो है वो कंटिन्यूसली वो साइनोवियम के ऊपर अटैक कर देगा समझो कि ये वाला जो मेम्ब्रेन है सिंपल में आपको जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये समझ लो कि ये है आपका साइनोवियम है तो ये साइनोवियम पर बहुत सारे ये सेल एंटीबॉडीज़ अटैक करना चालू कर देंगे तो चारों बाजू से अलग अलग एंटीबॉडीज़ इसके ऊपर अटैक करना चालू कर देंगे जिसके कारण धीरे धीरे ये जो साइनोवियम है वो डैमेज होना स्टार्ट होगा और जैसे ये साइनोवियम डैमेज होना स्टार्ट होगा फिर वो डैमेज होगा साइनोवियम फर्दर उसका होगा इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन होगा तो वो आसपास के जो कार्टिलेज है जो जॉइंट्स जो है जॉइंट का ये बॉन है बॉन का भी इरोजन या डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ ए कार्टिलेज ऑल्सो डिक्रीज इन साइनोवियल फ्लूइड भी जब अब धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जॉइंट का और फिर कंडीशन जो है वह काफ़ी डेंजरस होगी फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट तो ये ऐसा हो जाता है देखिए कि अभी जो हमने देखे ऑटो इम्यून सिस्टम जब अटैक करती है किसी जॉइंट को तो आप उसका एक स्केमेटिक डायग्राम बनाओ तो इस तरह से जो नॉर्मल होती है उससे कंडीशन हो जाती है एबनॉर्मल कंडीशन ये जो कंडीशन हम कह सकते हैं एबनॉर्मल कि ये पूरा जॉइंट जो है वो अब क्या हो गया है ये डैमेज हो गया है ड्यू टू दैट कोज ऑफ ऑटो इम्यून सिस्टम कि जब हमारे इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाती है तो डायरेक्टली ये टारगेट करती है हेल्दी सेल्स एंड टिश्यूज को स्पेशली जो मेम्ब्रेन है साइनोवियल साइनोवियम उसको डैमेज करना चालू कर देती है और आगे जाके जो है वो पूरा जॉइंट डैमेज हो जाता है द इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विथ रूमेटेड आर्थराइटिस वॉट कैन डैमेज द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल एज कि जब यहाँ पे डैमेज हुआ तो ये धीरे धीरे आगे की ओर भी उसका जो हम कहते हैं कि जो चेप लगता है वो आगे भी लगेगा और आगे उसके साथ में अटैच दूसरे जो अलग अलग ऑर्गन्स हो गए उसको भी वो डैमेज करना स्टार्ट करेगा एंड लास्ट में कोज द फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी अलग अलग फिजिकल डिसेबिलिटीज स्पेशली तो वॉकिंग करने में पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि आपको मोमेंट करने में वॉकिंग करने में प्लस जो भी कोई रूटीन लाइफ के जो काम होते हैं रूटीन लाइफ आपकी कम्प्लीटली हो जाती है डिस्टर्ब बिकॉज जो रूटीन लाइफ के अंदर डेली जो हम वॉकिंग करते हैं मूवमेंट करते हैं अलग अलग रूटीन वर्क करते हैं लाइफ के तो उस वक्त जब कंटिन्यूसली आपके जॉइंट्स के अंदर पेन रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी जिसके कारण जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर अफेक्ट पड़ता है एंड पेशेंट जो है वो काफ़ी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उसको टॉलरेट करने पड़ते हैं तो उसकी एपिडेमियोलॉजी जान लेते कि पूरे विश्व के अंदर कितने लोग उससे अफेक्टेड है तो वर्ल्ड वाइड अराउंड वन टू थ्री परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड बाय दिस रूमेट आर्थराइटिस कि अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंटल से कि लाइक एशिया है यूरोप है अफ्रीका साउथ अमेरिका हम देखें नॉर्थ अमेरिका है ऑस्ट्रेलिया है तो हमारे जो अलग अलग पूरे विश्व के अंदर ये डिसीज जो है वो फैली हुई है और एटलीस्ट वन टू थ्री परसेंट पीपल्स आर अफेक्टेड ड्यू टू दिस रोमेटोड आर्थराइटिस विथ ए पिक प्रिवलेंज बिटवीन द एजिस थर्टी टू फिफ्टी ईयर्स एज ग्रुप हम देखें ज़्यादा कि जिससे अफेक्ट हो रहा है तो वो है तीस से लेकर पचास और मेल के कंपेयर में फीमेल के अंदर ये डिसीज तीन से चार गुना ज़्यादा है कि वुमन्स आर अफेक्टेड थ्री टू फोर टाइम्स मोर कॉमनली देन द मैन तो ये एपिडेमियोलॉजी के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पिन पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन नेक्स्ट इज जीनेटिक्स सक्सेप्टेबिलिटी देन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस वगैरह उसके जो अलग अलग कॉजेज है वो अफेक्ट करते हैं ये रोमेटोड आर्थराइटिस के अंदर की जो हम डिटेल में उसके जो अलग अलग कोजेस देखे कि कोजिज़ मतलब कि जो हम देखते हैं कि अलग अलग जो रीज़न कि वो जो रीजन्स के कारण कोई भी डिजीज होती है तो आर्थराइटिस के जो हम कोजेस देखें तो एक है जीनेटिक फैक्टर अफेक्ट करता है कि जीनेटिक सक्सेप्टेबिलिटी कि जीनेटिकली ही जब इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज होती है कि जीनेटिक फैक्टर्स उसमें खास अफेक्ट करे कि जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कि जो हम बात करते कि डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम दूसरे वर्ड में हम कहे तो डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम तो डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम का होना कई बार होता है अलग अलग डिसीज कंडीशंस के कारण तो होता ही है बट उसके अंदर ये जीनेटिक फैक्टर भी अफेक्ट होता है और जिसके कारण इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के कारण आर्थराइटिस होता है रूमिटेड आर्थराइटिस उसके बाद है एन इन्फ्लेमेशन रिएक्शन इन जॉइंट्स एंड टेंडन सेथ देंस ऑफ रिमेटेड फैक्टर्स इन द ब्लड एंड साइनोवियम की जो रोमेटेड फैक्टर्स है वो इंक्रीज होते हैं इसके अंदर और किसके अंदर तो ब्लड एंड साइनोवियम के अंदर वो भी एक रीज़न बनते हैं कोज बनते हैं ऑफ़ रोमेटेड आर्थराइटिस देन परपेचुएसन ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एंड एट लास्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन तो ये है कि जब आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होता है जीनेटिक फैक्टर्स के कारण आ, आपको आपकी जो डिफेक्टिव बनती है इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जैसे जनरेट होते कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही डिफेक्टिव है और वो आपके बॉडी के हेल्थी सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करती है तो ऐसे अलग अलग रीजन्स के कारण पर्सन को हो सकता है ये रोमेटोड आर्थराइटिस अब जानना जरूरी है उसके साइन एंड सिम्टम्स तो टेंडर टेंडर एंड जॉइंट्स। पे आप ये वाला डायग्राम देखो कि जॉइंट टेंडरनेस यहां पे आप देख सकते हैं तो वो स्पेशली देखा जाता है पेशेंट्स के अंदर उसके बाद देखो सेकंड ये है कि स्टिफनेस ऑफ़ जॉइंट फिर वेट लॉस होता है फटीक मतलब कि थकान होना नमने सैन टिंगलिंग कि जैसे यहाँ पे दिखा है कि जो पाम वगैरह जो होते हैं हमारे हाथ की हथेलियाँ वगैरह वहाँ पे काफ़ी नमने सैन टिंगलिंग होता है जॉइंट्स के अंदर रेडनेस होता है कि जो उतने भी जॉइंट्स हैं और उसमें भी खासकर ऐसे जॉइंट्स कि जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं कि जहाँ पे साइनोवियल फ्लूड प्रेजेंट है और साइनोवियल कैविटीज प्रेजेंट है वहाँ पे स्वेलिंग होता है एंड पेन इन द जॉइंट्स तो स्वॉलन जॉइंट्स फटिक थकान होना फीवर हो सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी तो जिसके कारण वेट लॉस हो सकता है फीवर फटिक जॉइंट स्टिफनेस और वो भी कि जब आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तब एंड आफ्टर द इनएक्टिविटी के काफ़ी टाइम तक आपने कुछ काम नहीं किया और जब आप कुछ काम करना स्टार्ट करोगे तो तुरंत ही उस वक्त जॉइंट स्टिफनेस जो है वो देखने को मिलेगी ये जो यहाँ पे ये डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग तो, तो ये है साइन एंड सिम्टम्स डिटेल में देखें कि रोमेटोर आर्थराइटिस सिम्टम्स टू नेवर इग्नोर कि ऐसे साइन एंड सिम्टम्स की जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए तो वो है नमनेस एंड टिंगलिंग्स इन हैंड एंड फिट की जब आपके हाथ के अंदर या फिर फिट के अंदर जब ऐसा नमनेस एंड टिंगलिंग जैसा स्टार्ट हो तो तुरंत ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके इसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करा देनी चाहिए ट्रीटमेंट के बारे में भी हम यही लेक्चर के अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग दिस रोमिटरइटिस देन जॉइंट्स फील वॉर्म टू द टच काफ़ी वार्म मतलब कि थोड़ा सा वार्म फील होगा गर्म फील होगा कि जो आप जब जॉइंट्स को टच करोगे देन डिसरप्टेड स्लीप स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी लो ग्रेड फीवर होगा फटीग डिप्रेशन एंड मूड चेंज ड्राई आइज एंड माई माउथ वेट लॉस जॉइंट पेन स्वेलिंग स्टिफनेस दैट ऑफन सिमेट्रिकल फिर पेन ऑफन स्टार्ट इन फिंगर एंड टू स्प्रेड टू अदर जॉइंट्स जॉइंट्स लुक रेड एंड डिसकलर एंड पेन इन द बिग टॉय मतलब कि आपकी जो रूटीन लाइफ है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी जिसके कारण पेशेंट जो है वह काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करेगा इन दिस रुमेट आर्थराइटिस अब हमें जाननी है उसकी पैथोफिजियोलॉजी की ऐसे क्या रीजन्स है ऐसे क्या डिटेल पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व है कि जिसके कारण ये डिसीज होती है तो रिमेटेड आर्थोराइज सिस्टेमिक डिसीज बट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेसन आर सीन इन साइनोवियम और विद इन द रूमेटोड नोड्यूल्स कि जो हमने बात की कि जो साइनोवियम जो है हमारा कि जहाँ पे साइनोवियम एंड साइनोवियल फ्लूड प्रेजेंट है प्लस जहाँ पे साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है द साइनोवियम इज़ एनॉर्ज विथ न्यू ब्लड वेसल्स एनपैक्ट फुल ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल के वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लामेटरी जो सेल्स है वो प्रोड्यूस हो जाएगी जो हम इस तरह से देखते हैं और, और ये नॉर्मल के कंपेयर में काफ़ी जो है वो रेड रेड हो जाता है काफ़ी रेडनेस हो जाती है ड्यू टू दूमलेसन ऑफ दिस सेल्स कि जो कैसे है इन्फ्लामेटरी सेल है ये जो इन्फ्लामेटरी सेल जो यहाँ पे काफ़ी एक्यूमलेट हो जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे होता है इन्फ्लामेशन और डिफॉर्मेशन हो जाता है कि जो इन्फ्लामेशन के कारण जो जॉइंट है उसका डीफॉर्मेशन होता है उसका जो कंप्लीटली सेप है वो चेंज हो जाता है द प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व्स डिसरेग्युलेटेड इन्फ्लेमेशन विथ एंटीजन प्रेजेंटेशन टी सेल एक्टिवेशन एंड ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन ऑल सर्विंग एज ए मेडिएटर इन द इंफ्लैमेटरी प्रोसेस कि जब इम्यून सिस्टम ही आपकी डैमेज है फिर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होता डिसरेग्यूलेटेड इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन तो होता है बट उसका किसी तरह से प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो रहा है बिकॉज जब किसी भी पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो सामने हमारे ही बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको क्योर करने में लग जाती है ऑटो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट द इन्फ्लेमेशन बट ये प्रोसेस भी डिसरेगुलेटेड हो जाती है एंटीजन प्रेजेंटेशन टी सेल एक्टिवेशन ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन और सभी के कारण लास्ट में इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है तो जो स्टेजेस है रोमीटर आर्थराइटिस के वो जानना जरूरी है तो स्टेज वन के अंदर होता है प्री क्लिनिकल स्टेज टू है साइनोवियल स्टेज थ्री है डिस्ट्रक्शन एंड स्टेज फोर है डिफॉर्मिटी तो चारों स्टेज आपके लिए मोस्ट आईएमपी है फॉर एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज थ्री ऑफ रिमेटेड आर्थराइटिस तो उस वक्त याद रखना है आपको डिस्ट्रक्शन इज कम्स अंडर द स्टेज थ्री डी इन ए स्टेज फोर साइनोवियल इन स्टेज टू एंड प्री क्लिनिकल इन ए स्टेज वन या फिर उसको अरेंज करना है क्या है कि, कि तो सबसे पहला स्टेज है प्री क्लिनिकल सेकेंड स्टेज है साइनोवियल थर्ड इज डिस्ट्रक्शन एंड फोर्थ इज द डिफॉर्मिटी तो जैसे स्टेज वन है प्री क्लिनिकल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज वन बॉडी मिस्टेकली अटैक इट्स ऑन जॉइंट टिश्यू स्टेज टू के अंदर आप देखो साइनोवियल स्टेज टू द बॉडी मेक्स द एंटीबॉडी एंड जॉइंट स्टार्ट स्वेलिंग अप की जो स्वलन इनफ्लम साइनोवियल मेम्ब्रेन आप यहां पे देख सकते हैं तो फर्स्ट स्टेज के अंदर द बॉडी मिस्टेकली अटैक इट्स ऑन ज्वाइंट की जो ऑटो इम्यून हम रिस्पॉन्स कहते हैं थर्ड स्टेज में डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है कि डिग्रेडेड कार्टिलेज बॉन इरोजन वगैरह एंड फिर लास्ट में डिफॉर्मिटी स्टेज फॉर तो ये सभी स्टेजेस के बारे हम में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू के अंदर तो यही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा पार्ट टू वीडियो लेक्चर में कि वी विल डिस्कस डिटेल पैथोफिजियोलॉजी इन पार्ट टू ऑफ दिस क्चर सो इफ यू लाइक द कंटेंट मस्ट लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस लेक्चर इन वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक टेलेग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम सभी जगह पर आप उसको शेयर कर सकते हैं ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप बाई सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स